वेलकम एवरीवन। आज का पाठ जो है मेरे संग की ओर से, इस पाठ के आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा जिससे किसी और के भी काम आ जाएं। पहला प्रश्न है मेरे संग की ओर से, पाठ एक क्या है? तो यह पाठ एक आत्मकथात्मक निबंध है, यानी कि खुद की बायोग्राफी लिखी है और उसके आधार पर निबंध लिखा है। मेरे संग की ओर से नामक पाठ की लेखिका का क्या नाम है? तो लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ था? मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था सन 1938 में। मृदुला गर्ग को साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली थी? कथा साहित्य के लिए, यानी कहानियाँ वो लिखती थी। मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ किन समस्याओं पर आधारित है? औरतों की समस्याओं पर आधारित है यह पाठ। लेखिका की नानी क्या थी? पर्दानशी, यानी पर्दे में रहने वाली। लेखिका की नानी मुँह जोर क्यों उठी थी? अपनी 15 वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता में वह मुँह जोर हो उठी थी। लेखिका की नानी पर्दे की चिंता छोड़कर किससे मिलना चाहती थी? वह पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहती थी? जो साहबों का फरमबदार ना हो, यानी कि जो अंग्रेज लोगों का गुलाम ना हो और उनकी बात ना मानता हो। असली आज़ादी का अनुभव कब होता है? अपने ढंग से जीने में। लेखिका की माँ का विवाह कैसे युवक से हुआ था? इसका आंसर है जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था। यह आंसर है इसका। तो लेखिका की माँ ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया था? उन्होंने गांधी जी के आदर्शों के कारण सादा जीवन व्यतीत किया था। आप आंसर दे सकते हैं यदि आपको इनके आंसर पता है तो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, ये शब्द किसने कहे, किसके लिए कहे थे? तो आप इसका आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं बता देती हूँ, लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए शब्द कहे थे। कौन लेखकों के सबसे बड़े प्रशंसक थे? यहाँ पर गांधी और नेहरू जो थे सबसे बड़े अंग्रेज़ों के प्रशंसक थे। लेखिका की माँ की राय का पालन कैसे किया जाता था? पत्थर की लकीर की भांति उनकी माँ की राय का पालन किया जाता था, यानी माँ की बात मानी जाती थी। हम हाथी पे हलना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इस कथन पर बैल किसे कहा गया है? यहाँ पर परिवार के काम करने वाले सदस्यों को बैल कहा गया है। मुस्तैद का क्या अर्थ है? मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर, यानी कि किसी भी काम करने के लिए तत्पर होना। लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश में रुचि क्यों नहीं लेती थी? वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण व्यस्त रहा करती थी। लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय कैसे बिताती थी? पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? उनका सबसे अच्छा गुण है कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। फिर प्रश्न आता है, लेखिका की माँ की भूमिका बखूबी किसने निभाई थी? तो उत्तर होगा लेखिका के पिता ने, यानी लेखिका जो हैं उनके पिताजी उनकी माताजी का काम करते थे। लेखिका की परदादी की किस मिन्नत के लिए सब लोग हैरान थे? परिवार में लड़की के जन्म की जो उन्होंने मन्नत मांगी थी उसके लिए सभी को हैरानी हुई थी। प्रश्न है, लेखिका की परदादी के किस व्यवहार से चोर प्रभावित हुआ था? चोर जो है उदारता से प्रभावित हुआ था। लेखिका के पिता ने उसे कौन सी पुस्तक ला कर के दी थी? उत्तर आएगा ब्रदर्स कारामजोव, यह पुस्तक जो है उन्होंने ला कर के दी थी। लेखिका का भाई किस भाषा में लिखता था? हिंदी भाषा में वह लिखा करता था। ये मैंने आज आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बताए हैं, और इसके अलावा मैं इससे बड़े जो प्रश्न होते हैं जिसे वन लाइनर्स कहते हैं, और जो थोड़े बड़े प्रश्न होते हैं वो भी अगर अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस भी कर लीजिए। और इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बताइए मुझे, और जो भी पाठ आपको पढ़ना है तो उसका नाम भी आप मुझे बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कुछ बच्चे जो हैं
बुक का नाम पूछते रहते हैं, तो कई बार किसी बुक से पढ़ाया जाता है, कई बार अलग अलग बुक्स जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर किसी भी बुक का नाम नहीं बता रही हूँ। यहाँ कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी हैं जो अलग अलग बहुत सारी बुक्स होती हैं, उन्हीं को फॉलो हम करते हैं। जो भी अच्छे नोट्स आपके लिए नज़र आते हैं उन्हीं में से हम आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार कर देते हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और किसी पाठ के लिए चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।